मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और आज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं मटर की खेती का एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रहा हूं जो आप लोगों को शायद कोई नहीं बताएगा। बहुत से किसान भाइयों से मेरे से मुलाकात हुई, तब किसान भाइयों ने यह कहा कि गुरुदेव, हमारे मटर की खेती के अंदर प्रोडक्शन कम निकलता है। या मैं ये कहूँ कि और भी कई किसानों से मैं मुलाकात करी तो उनका ये कहना था कि नहीं गुरुदेव, अच्छा प्रोडक्शन निकला मटर का। तो ये कारण क्या है, तो आप लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ। ये सब कारण है दिनांक का, टाइमिंग का। आप कौन सी टाइमिंग के अंदर मटर खेत में लगाते हो, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि नवंबर के महीने के अंदर आप जो भी मटर की फसल लगाओगे, आप नवंबर के मटर के, नवंबर का महीना है, उसके अंदर आप जो भी मटर की फसल लगाओगे तो उसके अंदर तीन बार आप मटर तोड़ोगे उस फसल के अंदर। मतलब तीन बार तुड़ाई चलेगी मटर की, और तीन बार मटर की जो तुड़ाई चलेगी वह बहुत ही शानदार रहेगी, क्योंकि वह अगेता मटर रहेगा, और अगेती मटर के अंदर तीन बार आप तोड़ सकते हो। चाहे बीज आप लोकल लगाओ, चाहे ओरिजिनल लगाओ, चाहे कोई सा भी बीज लगाओ, आप मटर का प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा, और तुड़ाई मटर की तीन बार होगी। और नवंबर के बाद के अंदर आप लगाते हो दिसंबर के अंदर मटर, तो दिसंबर में मटर आप लगाओगे तो उसकी दो बार तुड़ाई होगी, दो बार से ज़्यादा तुड़ाई नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। उसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन थोड़ा कम निकलेगा। यही अंतर है टाइमिंग का। मटर की फसल के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा आप लेना चाहते हो तो नवंबर के महीने में लगाओ, अगर हो सके तो दीपावली से पहले लगा दो, नवरात्रों के अंदर लगा दो मटर। उसका भाव भी आप लोगों को सही मिलेगा और प्रोडक्शन भी आप लोगों को सही मिलेगा। और अगर आप दिसंबर के में लगाते हो नवंबर के बाद के अंदर, तो ये मान के चलो कि आपका प्रोडक्शन थोड़ा कम निकलेगा। और बस यही कहना चाहता हूँ, यही अंतर है मटर की जो फार्मिंग का जो सीक्रेट बता रहा हूँ, ये टाइमिंग का सीक्रेट है। बस आपको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, अच्छे भाव चाहिए, तो आप नवंबर के महीने में लगा दो मटर। और आपको थोड़ा मतलब आप बिजी हो, नहीं लगा पाते हो नवंबर के अंदर मटर, और दिसंबर में आप लगा रहे हो तो उसमें थोड़ा क्या भाव भी कम मिलेगा आपको, और मटर का प्रोडक्शन भी कम निकलेगा। और भी मटर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए स्पेशल तौर पे। मैं घर पे था तो आप लोगों के लिए मैंने वीडियो शूट कर दिया, क्योंकि मैं हमेशा किसान हित के अंदर ही सोचता हूँ, मेरा टाइम खराब ना हो। तो आप लोगों को ये भी बात समझनी है, ये भी एक फार्मिंग की टिप्स है, ये कला है एक, ये सीख लीजिए आप टाइमिंग का। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।